दिव्या मदेरना, वो इतनी कड़काई है कि उनकी नज़रों से भी हम डर के छुप जाते हैं। उन्हें डर लगता है उनकी आँखों का। आमने सामने में मदेरन प्रयोग कभी जीते नहीं है। टाटों के सामने बोलने से डरते हैं लोग? डरते हैं। क्यों डरते हैं? पता नहीं क्यों डरते हैं, ये डरते हैं बोल। कार्यशैली सही नहीं है। वो जो वृद्ध व्यक्ति है ना, उनके दादाजी के समान, उनको भी लोगों के बीच में कुछ भी कह सकती है। दिव्या मदेरन अकेली प्रचार कर रही है और ये पूरा जोर लगा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो अकेले प्रचार कर रहे हैं। अशोक गहलोत को बुला ले। कांग्रेस गवर्नमेंट के पास एक मतलब मोटर दिलाने के लिए बजट नहीं है। मैंने 4 बार दिव्या जी को एप्लीकेशन दी है। अभी तुम अपने होश में नहीं बोल रहे हो, है ना? तुम्हारा भपका यहाँ तक आ रहा है, ठीक है? अब चुनाव में इस समय ज्यादा भी मिल रहा होगा तो कम बोलो ताकि लोगों को कम पता चले। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा और लल्लन टॉप की चुनावी टीम इस वक्त जोधपुर के ओसियां पहुंच चुकी है। ओसियां का चौराहा बहुत चर्चित सीट, यहां का मुकाबला बहुत ही दिलचस्प, मदेरणा परिवार की राजनीति और बीजेपी की तरफ से भी जाट कैंडिडेट दिव्या मदेरणा, चर्चित कांग्रेस की नेता जो उस वक्त भी चर्चा में आई जब यहां पे विधायकों की लामबंदी होने लगी और उन्होंने बोला कि हम तो आला कमान के साथ हैं, तो उसके बाद दिव्या मदेरणा की सीट पे बड़ा दिलचस्प मुकाबला बताया जा रहा। हम ओसियां आए, हमको कुछ लोग मिल गए बातचीत करने के लिए, हमने सोचा बातचीत की जाए। तो ये खालिस मारवाड़ का इलाका है और यहाँ पे मारवाड़ी बोली जाती है और मुझे थोड़ी कम समझ में आएगी, तो हो सकता है मैं ट्रांसलेट ना कर पाऊँ। तो भाई साहब ने वादा किया कि आपको बताएंगे। हो सकता है कुछ लोग बोले कि लल्लन टॉप वाले जो है राजस्थानी को भेजें जो समझ सके, तो लल्लन टॉप ने जितना खर्चा किया है वो मेरे पे किया है और आपको मेरे से ही काम चलाना पड़ेगा, बाकी भाई लोग मदद करेंगे। तो सर नमस्ते, क्या नाम है आपका? नारना दारूराम। दारूराम, हाँ पहले ही देखो पहली लाइन में गड़बड़ हो गया मामला। तो क्या है ये ओसियां, एक बड़ी चर्चा है? चर्चा बड़ी, टक्कर है। बराबर किसके किसके? बैराराम का दिव्य है। बैराराम चौधरी बीजेपी के प्रत्याशी और दिव्या मदेरणा दोनों जाट हैं। जाटों की सीट है क्या यहाँ? जाट ज्यादा है? ज्यादा है। कितना? अच्छा थोड़ा यहाँ का, आप दारूराम जी आप थोड़ा सा मुझे यहाँ का जाति समीकरण समझा दीजिए। कितनी जाति के कौन से लोग हैं? चुनाव जाति पे होता है? ज्यादा ही जाट ही। कितना? 70,000। 70,000। दूसरे नंबर पे राजपूत। कितने? 40-42,000। तीसरे नंबर पे मेघवाल। मेघवाल कितने? 38,000। और बाकी लोग? बाकी लोग है 62-65 महंगा नहीं है ये। तो दो जाटों की लड़ाई है, तो जाट वोट किधर जाएगा? जाट वोट दोनों को कोड़ा बंट जाएगा, दोनों में आधा तो हो जाएगा, आधा आधा 50-50। राजपूत किधर जाएगा? है कांग्रेस में ज्यादा जाएगा, कांग्रेस में 70% रहेगा, 30% बीजेपी में रहेगा। कुछ कांग्रेस से दिव्या मदेरणा है। और उसके बाद राजपूत किधर जा रहे हैं? राजपूत तो बीजेपी की तरफ ज्यादा है। मेघवाल किधर जा रहे हैं? मेघवाल तो 70-30 ही है मानो। 70 किधर है? 70 की तरफ, 30 बीजेपी की तरफ। 70 कांग्रेस की तरफ, 30 बीजेपी की तरफ। हमने जातियों का एक मोटा मोटा सैंपलिंग कर ली, क्योंकि चूंकि हमको पता है इस इलाके में चुनाव जाति पर होता है, है? काम पर भी होता है चुनाव, जाति पर ही होता है? जाति पर। एक एक करके पूछता हूँ, आप बताइए काम पे होता है? हटी बोल हटी। अरे आप इतना बढ़िया बोल रहे हैं, आप बताइए। बोला नहीं, बड़ा बहन बोल रहे हैं। काम पर भी है और जातिगत भी है, दोनों है। अच्छा, तो जरा पहले काम पे बता दीजिए, काम कैसा रहा यहाँ की विधायक की 5 साल में, विधायिका जी का जो विधायक रहे? काम ठीक ही रहा है, जहाँ क्षेत्र जाटों का पड़ता वहाँ पे ज्यादा काम हुआ है और जहाँ एससी का पड़ता वहाँ काम हुआ नहीं है। जहाँ एससी का पड़ता वहाँ नहीं हुआ, कम हुआ है, क्योंकि ये दबे हुए लोग हैं और ये काम लेके गए नहीं उनके पास, वो कहाँ से काम देंगे। तो बाकी इलाकों में जो है आपके आपके जो इलाका विधानसभा, अच्छा राजस्थान की एक बड़ी दिलचस्प चीज़ है, यहाँ के लोगों से आप पूछेंगे कौन जीत रहा है, जैसे यूपी में अगर चुनाव हो तो आप पूछेंगे कौन जीत रहा है तो कोई बोलेगा योगी, कोई बोलेगा अखिलेश। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ का आदमी अपना विधायक चुनता है, वो विधायक की बात करता है, मुख्यमंत्री की बात जो है बहुत बाद में करता है, पहले उसको विधायक चाहिए। विधायक जाएगा तभी तो मुख्यमंत्री बनेगा ना। हाँ। विधायक एक एक सीट की लड़ाई आएंगे तो मुख्यमंत्री ही गहलोत साहब।
इसीलिए एक एक सीट की लड़ाई बताई जा रही है। हाँ जी, एक एक सीट की लड़ाई। तो क्या लग रहा है यहाँ कौन भारी है? सबसे पूछूंगा मैं, अब बैठा हूँ तो इत्मीनान से। अरे आप लीडर हो? नहीं सर, मैं तो कहीं कौन गाँव वाला ही हूँ। क्या नाम आपका? बाबूराम। बाबूराम, तो बाबूराम जी ये बता रहे हैं कि बड़ा दिलचस्प यहाँ लड़ाई है, क्या लग रहा है आपको? लड़ाई तो साहब अच्छी है, लड़ाई तो ये तो हम भी जान रहे हैं, कुछ नया बताइए। नया तो यही है, कांग्रेस जीत रही है। कांग्रेस जीत रही है, अच्छा। बड़े अंतर से जीत रही है। बड़े अंतर से? हाँ। तो कुछ लोग कह रहे थे कि बार बहुत फंसा हुआ है मामला। नहीं फंसा हुआ कुछ नहीं है, दोनों में से एक जीतेगा, मतलब कांग्रेस बड़े अंतर से जीत रही है। दो ही तो नहीं जीते, एक ही जीत जीते, ये कर रहे हैं दोनों जीते, अच्छा है, जीते एक दोनों जिताना चाहते हैं। हम दोनों को जिताना चाहते हैं, पर अब जीतेगा नहीं, जीतेगा एक ही सर। तो कौन होगा वो एक? अब देखो जिसकी किस्मत में लिखा हुआ शासन वही करेगा, दूसरा कौन करेगा? बैराराम में लिखा या दिव्या मदेरना में लिखा, जिसके मोर लगी हुई राज की वही करेगा। तो 5 साल पहले तो दिव्या मदेरना पे लग गई थी, तो अब की बार कुछ संशय है क्या? पता लॉटरी खुल जाए दूसरे की, दूसरे की बैराराम चौधरी की, ऐसा लग रहा है। अच्छा पिछली बार जैसे ये मैं देख रहा था, तो पिछली बार यहाँ पे एक निर्दलीय कैंडिडेट थे, त्रिकोणी मुकाबला हुआ, राजपूत जाति से आते थे, तो 37-38 हज़ार वोट वो ले गए और दिव्या मदेरना सीट आराम से जीत गई। इस बार आमने सामने की टक्कर है, तो क्या लग रहा है? आमने सामने आज तक तो मदेरना परिवार आ रहा है, त्रिकोणीय मुकाबले में मदेरना परिवार जीता है। अब की बार आएगा बिल्कुल आएगा, निश्चित तौर आएगा। आपका क्या नाम है? नैना राम। क्यों आएगा नैना? क्योंकि ज़्यादा काम करवाया, काम के बजाय आएगा। काम प्यारा लगे भाई। काम करवाया, काम बात ज़्यादा करवाया, काम काम के पीछे आएंगे। क्या काम करवाया जरा काम बताइए? काम रोडों का है, शिक्षा का है, बिजली का है, पानी का है, पूरा मुद्दा किया है। मीठा पानी, पानी मीठा पानी, घर घर 103 टंकी हुई है ओसियों के अंदर, पूरे गाँव के अंदर या एरिया। बड़ी वाली टंकी भी लेकर आए, बड़ी वाली टंकी है, जीएसएस हैं, सब कुछ। जो जो बाबू जी के पास जाएंगे, सबके पास जाएंगे, जो वादा किया वो पूरा किया। हाँ। मेरे ब्लॉक डालिम पास में पानी नहीं था, द्विवेदी ने पानी किया। और इसको छोड़ दो जरा, इसको पकड़ने का हमको पैसा मिलता है, ठीक है? तुमको पैसा नहीं मिल रहा है, मत पकड़ो इसको। पानी दिया, क्या नाम है? लक्ष्मण है नाम, इसलिए मैं उनका साथ दे रहा हूँ। आप बताओ? बढ़िया है। बढ़िया है, सब बढ़िया, सब बढ़िया। क्या करते हो? कौन हम? हम तो मजदूरी करते, कम टेका काम करते हैं। क्या मजदूरी में क्या करते हैं? कम टेका काम करते हैं। कारीगरी काम, कारीगरी, कैसा काम चल रहा है? काम ठीक चल रहा है, रोजगार ठीक है, पैसा आ रहा है? ठीक है, बराबर आ रहा है, परिवार चल जा रहा है? बिल्कुल चलता है, बिल्कुल चलता है। देखो भाई, देखो एक बार बोल दिए, अभी तुम अपने होश में नहीं बोल रहे हो, है ना? तुम्हारा भपका यहाँ तक आ रहा है, ठीक है? और चुनाव में इस समय ज्यादा भी मिल रहा होगा, तो कम बोलो ताकि लोगों को कम पता चले। हाँ बताइए। बहुत बढ़िया है, कांग्रेस आई। कांग्रेस आई? हाँ बिल्कुल। कांग्रेस के वालों के बीच में आ गए क्या? हाँ वैसे गलत आ गए। कहाँ जाना चाहिए? वालों के बीच में आ गया हूँ। आप भी कांग्रेस से हो? नहीं मैं तो बीजेपी से। आप बीजेपी से? तो आप बोलो दमदारी से अपनी बात। नहीं क्या बोले तुम, यहाँ कांग्रेस का बहुत ज्यादा है। कोई मुद्दा है ही नहीं भाजपा वाले पास, तो बोले क्या? कोई मुद्दा ही नहीं है, मुद्दे पे बात करते ही नहीं है। ये तो किसी के ऊपर टंटी टिप्पणी करते हैं और काम ही नहीं इनका, ऐसे काम नहीं है भाजपा के पास। भाजपा देखो सुनो, हमने जमीन कटवाई थी और PST का मतलब ट्यूबवेल खुदवाया था और 5 साल से आज तक बंद पड़ा है। कांग्रेस गवर्नमेंट के पास एक मतलब मोटर दिलाने के लिए बजट नहीं है। मैंने 4 बार दिव्या जी को एप्लीकेशन दी है, आपको हकी नहीं हो तो मैं फेस टू फेस बात करा सकता हूँ। आप कह रहे काम ही नहीं है, मुद्दा भी नहीं है, ये बात तो आप छोड़ो, ये बेल्ट वास की बात है। यार काम गिना तो रहे वो, ये काम नहीं किया उनका। कोई नहीं, ये हार की बौखलाहट है, भारतीय जनता पार्टी करता हार की बौखलाहट है, इसलिए चिल्ला रहे हैं ज्यादा। और बता रहा भाई, अरे वो तो अपना बेचारा काम बता रहा है कि हमारा काम। कोई नहीं, उनसे इंटरव्यू लो, कोई नहीं। बता दो, ये तो मुद्दा है, मैं बोल तो रहा हूँ ना।
बात राजी की नहीं है। दर्द क्या होता है? काम तो होता है आम जनता के लिए। विधायक किस लिए बनती है? विधायक किस लिए बनती है? बिल्कुल ठीक बात है। विधायक किस लिए बनते हैं? काम करने के लिए बनते हैं। ऐसा थोड़ी के कांग्रेस का काम होगा, बीजेपी का होगा ही नहीं। ऐसे देश का प्रधानमंत्री फिर बीजेपी वालों की करेगा काम क्या? पूरे देश को देखा ही नहीं। पूरे देश को देखना पड़ता है भैया। कुछ नहीं है, ये गौ माता के लिए जो नल को बना था आज भी बंद पड़ा 5 साल से। कि ये तो बैरा राम जी ने खुदवाई है, काय के लिए हम करें? तो बजट बैरा राम यहाँ से एक बार विधायक रह चुके हैं, 5 सत्र में थे। पिछली बार रहे थे, किसको हराया था इन्होंने? इनको जिला जी, इसकी माता जी, इनकी माता जी। हाँ जी, तब त्रिकोणी चुनाव हुआ था आमने सामने का। त्रिकोणी आमने सामने ही हुआ था, त्रिकोणी नहीं हुआ था। त्रिकोणी में फायदा होता है? त्रिकोणी में बीजेपी वालों को फायदा है, नहीं है लॉस है। कांग्रेस वालों को फायदा रहता है। अच्छा, आमने सामने में मदेना परेव कभी जीते नहीं है? नहीं जीता कभी भी। परसराम मदेना तो जीते, वो तो अलग चीज थी। इनके बाद करो अभी नए वालों में। अच्छा। वो तो पुराने वालों में वो तो जीते थे। पुराने वालों में जीते थे। वो कैसे नेता थे? अच्छे नेता थे। परसराम बहुत अच्छे नेता थे, माने हुए लीडर थे। जाटों का मसीहा थे वो, एक बहुत अच्छे। अभी जाटों का मसीहा कौन है? अभी तो फिलहाल जाट अपने आप पर ही है। और ये जो बेनीवाल है, बेनीवाल जो ये गठबंधन की और जाटों की बनती नहीं, सिर्फ गठबंधन गलत हो। जाट और दलितों की बनती नहीं आपस में? नहीं बनती। अच्छा, गठबंधन गलत हो गया तो बनने, अब बनने चालू होगी ना, गठबंधन हो गया तब। ऐसी बात है क्या यार? हम तो सुने थे लोग जो है खुल के बोलते हैं, आप लोग इतना डब क्यों रहे हो? ये डरते ज्यादा है क्योंकि कौन दुश्मनी मोल लेते, दुश्मनी मोल नहीं लेते ये। हम तो खुला कह देते हैं, क्या बिगाड़ते हैं, कह देते हैं। जाटों के सामने बोलने से डरते हैं लोग? डरते हैं। क्यों डरते हैं? नहीं क्यों डरते हैं, ये डरते हैं, बोलते नहीं। कोई नहीं डरता है, पर क्या होता है, बैर जी का सपोर्ट रहना, उनको लगता है कि बीजेपी कांग्रेस पक्की आएगी, फाइनल है, तो ये रखते हैं कि हमने भी कांग्रेस को ही दिया वोट, बाद में ऐसा बोल देंगे। इसके लिए कोई ऐसा डायरेक्ट नहीं। कहाँ पक्की आएगी? इस सीट पर आएगी या सरकार बनेगी? इस सीट पर तो 100% आएगी, और 99% राजस्थान में भी आएगी। सरकार भी बनेगी। हाँ, देख लो ना तुम। सुना है कांग्रेस की सरकार रिपीट हो रही है? विकास सुना है क्या? दिव्या मदेना अकेली प्रचार कर रही है, और ये पूरा जोर लगा रहे हैं, केंद्रीय मंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष। वो अकेले प्रचार कर रही है, अशोक गहलोत को बुला ले। क्यों बुला ले? उसका जीत है, वो लोगों का प्यार है, उसको जरूरत नहीं है। ऐसा इसके लिए डायरेक्ट लोग बोलते नहीं है। आप लोग कार्यकर्ता हो क्या? फिर अभी ऐसी बता ही रहे हो, ये बताओ कि इतना जो है करता नहीं है। आपने भी सर्वे कर लिया, इधर अभी 20 आदमी खड़े, उनसे 18 आदमी कांग्रेस के वोट रहे खरे। ऐसा अभी आपको ये भी लगना चाहिए ना, मैं बीजेपी वाला हूँ। हाँ, ये 18 वोट है, 2 वोट बीजेपी के, 18 वोट कांग्रेस के, इसी जगह पे है ना, इसी जगह खड़े जाते। बाकी जगह, बाकी जगह तो बीजेपी है, यहाँ तो कांग्रेस है ना फिलहाल खड़े यहाँ पे। यहाँ कांग्रेस है, यहाँ कांग्रेस, बाहर तो बीजेपी है। बाहर बीजेपी है तो जीतेगा कौन? जीतेगा बीजेपी। बीजेपी है इस कोने से लेकर के वहाँ तक कांग्रेस है। आप पूरे राजस्थान में घूमते हो, बराबर है, आप हमारे से बहुत होशियार है। थोड़ा तो आप समझ गए ना कि इधर किसके वोट रहे, तो इस हिसाब से आइडिया लगाओ ना। क्या करो बताओ, आप हमारे खाते के अंदर मोदी जी हर साल 6,000 रुपए डालते हैं। मोदी जी से हम इतने खुश है, पता नहीं, हम तो मोदी 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 फूल पे वोट देते हैं, अंधभक्त है हम। ठीक है, रही बात यहाँ जो हमारा विधायक, पूर्व विधायक बैराराम सिहोल, वो हमसे इतना पारिवारिक जुड़ा हुआ है, वो फिलहाल विधायक भी नहीं है, तो अभी हमारे कोई काम नहीं अटकते हैं साहब, हम खुश है। जो कि यहाँ की हमारी जो विधायक है, वर्तमान MLA जो है दिव्या मदेना, वो इतनी कड़काई है कि उनकी नजरों से भी हम डर के छुप जाते हैं। मैं डर लगता है उनकी आँखों का। बाकी काम तो हम खुद करते हैं, खेतों के अंदर खुद कमा के खाते हैं, उनकी कोई ऐसा क्या उनकी आँखों में पता नहीं, वो ऐसे बोलते हैं वो शेरनी कुछ नहीं है, लेकिन हम क्या, वो लेडीज होने के नाते उनका सम्मान करते हैं। नहीं तो एक बात तो, एक सेकंड, हाँ बताओ साहब, कह रहे हैं मैं एक सेकंड आ रहा हूँ। जैसे लोग को अंधभक्त कोई बोलता है तो बुरा मान जाता है, आप अपने से कह रहे हो अंधभक्त हूँ? बिल्कुल, मैं बीजेपी का भक्त हूँ। वो जो विधायक है ना दिव्या जी, वो उनका मतलब कार्यशैली सही नहीं है। वो जो वृद्ध व्यक्ति है ना, उनके दादाजी के समान, उनको भी लोगों के बीच में कुछ भी कह सकती है, इसीलिए हम उनसे डरते हैं। तो आप तो बीजेपी के भक्त हो, आप खुद ही कह रहे हो। बिल्कुल, तो आपको उनका काम कैसे अच्छा लगेगा? किनका?
जो कांग्रेस का नेता तो काम तो कोई करवाओ, काम हमेशा अच्छा होता है, लेकिन काम करवाते भी नहीं है, काम करवाते भी नहीं है, काम हमारे वहाँ नहीं, काम करवाता है, काम होता ही नहीं है, बिल्कुल काम नहीं होता है। तो ये 6,000 रुपए के लिए ही भक्त हो या फिर और नहीं, नहीं और बहुत होने सारे सर। क्या क्या वजह है बीजेपी भक्तों ने, क्या वजह है बीजेपी? देखो राम मंदिर बीजेपी ने बनाया, राम मंदिर बनाया, 370 ये धारा हटाई, बताओ कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया? हमने तो कुछ नहीं किया, मेरे दादाजी 70 सालों से कांग्रेस में थे, लेकिन हमारे परिवार के अंदर घर जाने के लिए रास्ता तक नहीं है, पीने के लिए पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी, और रास्ता तो अभी भी नहीं, पिछले 2013 से 2018 के बीच में बैरजी विधायक थे उस समय एक पाइपलाइन आई थी, उस पाइपलाइन में आज पानी बंद है, 2018 के बाद में कांग्रेस की सरकार आने के बाद में बिल्कुल पानी बूंद तक नहीं आया, और रास्ता हमारे तो अभी भी नहीं है, इसलिए हम कैसे कांग्रेस को वोट दे सकते? बताइए, कह रहे हैं कांग्रेस ने 70 सालों में क्या किया? 70 साल में कुछ नहीं किया, तो इनको पूछो कि चल कहाँ रहे हो आप, किन की रोड पे चल रहे हो, इनको ये पूछो आप पहले, हाँ 70 साल पहले क्या था इनको ये पूछो, 70 साल पहले यहाँ पर क्या था आपको पूछो, 70 साल पहले यहाँ कुछ नहीं था, रेते का टिल्ला था बड़ा बड़ा, और कुछ नहीं था यहाँ पे, खड्डे थे बड़े-बड़े, कुछ नहीं थी, ओशिया के अंदर सब खड्डे थे। किसने किया? लीला जी ने किया, लेना में खड़ा हो, मोदी जी बंद करिया, पीली टंकी बना दी, सड़कें बना दी, सड़कें केंद्र सरकार की है, केंद्र में 10 साल से बीजेपी की सरकार है, इसलिए हम आराम से चल पा रहे हैं, बाकी आप पीछे का कार्यकाल में वीडियो देखे रोड का, खड़खड़ की आवाज आती थी गाड़ियों की, बाहर आए नहीं ना, आपको पता है इसका, तो कांग्रेस परिवार से उठ के बाहर आई नहीं, परिवार में वहाँ घूम रही है, परिवार के अंदर अंदर ही बाहर आई नहीं है, तो काम कैसे होगा बताइए? कांग्रेस में काम होता था, कब होता था? परशुराम जी की टाइम में होता था, परशुराम मदेना जब यहाँ विधायक थे बहुत अच्छे थे, हम भी उनका सपोर्ट करता था, लेकिन अभी कांग्रेस के अंदर कोई विशेष आदमी नहीं है। क्या कह रहे हो भाई? कौन? एक सेकंड, हाँ रुक जाओ एक सेकंड, कहाँ चले गए भाई? आ जाओ यार आ जाओ, हाँ आप कहाँ से हो भाई साहब? राजनीति बहराराम श्योल जीते है, पर नैन जी के नहीं जी, दिव्यन जीता हूँ मैडम। क्या बोला इन्होंने? इन्होंने ये बोला है कि नैन जी चाह रहे कि कांग्रेस जीते, हम तो चाहते ही है जीते, पर ये हार की बौखलाहट है और कुछ नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का आ रही है, ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं दिव्या, हाँ दिव्या जीतनी चाहिए, लेकिन इनका कहना है कि अभी दिव्या जी को वोट नहीं मिल रहे हैं, क्या करें, वो हार इसलिए हार रही है, बाकी इनकी उम्मीद है दिव्या जी को जिताया जाए, लेकिन क्या करें वोटर साथ में नहीं है। अच्छा अब ये ठीक है, यहाँ की बहस हो गई, अब ये बताइए कि जो सरकार है अशोक गहलोत की, उसने कैसा काम किया? कोई काम नहीं किया, कोई काम नहीं किया, उन्होंने हमें झूठा झांसा दिया था कि आपको 3500 रुपए का रोजगार दिया जाएगा, 3500 रुपए का रोजगार देंगे, 1 रुपए भी युवाओं को नहीं मिला है, नौकरियां देंगे, मैं MA BA BEd हूँ, मुझे किसी प्रकार की कोई नौकरी नहीं मिली। सरकार तो करी बहुत योजना चला रहे हैं, बिल्कुल कोई योजना नहीं है, हमें कोई योजनाओं का फायदा नहीं है, जी भी योजना का फायदा नहीं, हमारे तो बिल्कुल फायदा नहीं है, उनका फायदा किसको है? जो कांग्रेस के खास कार्यकर्ता है, उनके मुख्य आदमी है, उन्हीं को ही फायदा है। फायदा है कोई योजना का? हमको फायदा है, हमको अशोक गहलोत नमक तगा तक हमको पहुँचा रहे, नमक क्या चीज होती, तो हम नमक खा के आराम नहीं करेंगे। अभी भाई साहब ने बोला ना कि दिव्या आंख से डरते, आंख में रंग है इसलिए डरा रही है, क्यों? पब्लिक है साथ में, साथ में है पब्लिक, पब्लिक साथ में है। दिव्या मदेना को उनके नाम पे वोट मिले या अशोक गहलोत के काम पे नाम पे? काम पर, काम हुआ इसलिए मिल रहे। जाति का क्या फैक्टर चलता है यहाँ? जाति का बरोबर टक्कर चल रही है, बस जीते गए, दिव्या जीतेगी खुला। नाम मेरा नाम सर्कल है, सर्कल बड़ा गजब नाम है, सर्कल मतलब तो गोल होता है, तो जभी घुमाएंगे, किसको घुमाएंगे? लो 5 साल क्या काम किया, वो तो काम करवाए, क्या करवाए? राम जी श्योल ने मतलब जिसने कह दिया हमारे पानी की समस्या है, उनके 10 घरों में ट्यूबवेल स्वीकृत करवा दी, और कांग्रेस सरकार में वो ट्यूबवेल बंद पड़ी है, मरम्मत करवाने की हिम्मत नहीं है कांग्रेस की,
कांग्रेस आने के बाद में बंद किया है वोट उबेल जो चालू किया हुआ था बीजेपी की मंडी मथानिया में कृषि मंडी। हम किसान आदमी आराम से अपना माल खुद बोली लगा करके बेच सकते हैं। बाकी पहले क्या होता था, बिचौलिए आते थे मार्केट में, मन मर्जी के भाव देते थे, पैसे देते नहीं थे, बात काटते थे। यहाँ पे सब बीजेपी आने के बाद में ऑनलाइन सिस्टम हो गया सर। हमारा जो नरेगा का पेमेंट है वो भी हमें डायरेक्ट खाते के अंदर मिलता है। मुख्य बात ये फायदा आपको बीजेपी से मिले। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रहलाद प्रहलाद राम है, मैं बेरड़ों के पास से हूँ। अच्छा, आपका क्या नाम भाई साहब? मेरा नाम लिखमा राम। आप भीम आर्मी से हो? तो भीम आर्मी यहाँ पे तो जो उनकी पार्टी नहीं लड़ रही तो वो वोट किधर जाएगा? कांग्रेस को वोट जाएगा। जितना जो एससी कम्युनिटी का वोट है वो कांग्रेस को जाता है। ऐसा लगता है आपको भी? हाँ ऐसे ही, ऐसा ही बिल्कुल। जातीय समीकरण, जातीय फैक्टर पे चुनाव होता है यहाँ पे? ऐसा कुछ नहीं है, भीम आर्मी वाले कुछ लोग कांग्रेस के भक्त है, कुछ बीजेपी से संतुष्ट है। वोट तो सभी को मिलेगा, लेकिन इस बार है जो बैराराम जी की सीट है यहाँ ओशिया से श्योर निकल रही है। 25,000 वोटों से विजय हो रहे हैं, चाहे अब कांग्रेस वाले कुछ भी कहें, क्योंकि दिव्या जी जीत रहे ओशिया से। यही चुनाव फंसा है गुरु। अच्छी बातचीत रही लोगों से और ओशिया में अलग अलग जाति अलग अलग वर्ग के लोग मिले, अलग अलग बातें, अलग अलग पेशे वाले किसान मिले, मजदूर मिले। आपको ये पूरी बातचीत कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। मेरा नाम अभिनव पांडे, मेरे साथ कैमरे के पीछे मेरे साथी करमजीत हैं। देखते रहे दी ललन टॉप। शुक्रिया।